नमस्कार किसान साथियों, आपका अपने चैनल सादाबाद केसरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सोनू चौधरी और स्टार्ट करते हैं वीडियो बिगर समय गवाए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं आता है और आप भी उसे न तो शेयर करते हैं ना ही उसे देखते हैं। तो अब बिगर समय गवाए बिगर के उसके किसी के तो अब शुरू कर लेते हैं। तो पहला मेरा टॉपिक है आज का, क्योंकि सुबह भी मैं मंडी भाव बताता हूँ, अब शाम को दोपहर के 3 बजे मंडी भाव आते हैं, लेकिन मेरे पास में समय का अभाव रहता है, इस वजह से मैं इस समय बता रहा हूँ। समय है 8:30 बज रहे हैं, 3 तारीख है, 8 अगस्तवा महीना है, 2021वीं साल है। तो वाशी की मंडी मुंबई की बात कर लेते हैं। यहाँ ज्योति 13 रुपये किलो है, लाल गुलाल 5 रुपये किलो, लॉकर 13 रुपये किलो, बादशाह 10 रुपये किलो, एलआर 10 रुपये किलो, पुखराज 8 रुपये किलो और लॉकर जो है 12 रुपये किलो। अब बात कर लेते हैं हम गुलकेटरी मंडी की। तो यहाँ इंदौर का आलू 13 रुपये किलो, गुजरात का आलू 10 रुपये किलो, आगरा का आलू 37-97 13 रुपये किलो यहाँ मिल रहा है। अगर बात कर लेते हैं विशाखापट्टनम की, तो यहाँ 570 रुपये कट्टा मिल रहा है, जो वहाँ ज्योति का आलू आता है। अब नैनीताल के किसान भाइयों बात कर लेते हैं। नैनीताल की मंडी में 37-97 मीडियम क्वालिटी का 11 रुपये किलो, बम्पर क्वालिटी का 10 रुपये किलो और गुल्ला साइज़ 9 रुपये किलो। एमपी के किसान बोलते हैं भैया एमपी का भी हाल बता दिया करें, तो मैं आपको बता दूं एमपी के शिवपुरी में आज 500 रुपये कट्टा बिका है, इंदौर में 350 रुपये कट्टा बिका है, 500 रुपये कट्टा बिका है पिपरिया में। अब बात कर लेते हैं हम नरेला मंडी आगरा, नरेला मंडी दिल्ली की। तो यहाँ 37-97 जो है मध्यम मीडियम क्वालिटी का आलू 580 रुपये, गुल्ला 460 रुपये और गुल्ली जो किर्री होती है वो 250 रुपये, चिप्सोना 620 रुपये, शुगर फ्री आलू जो है 550 रुपये। अगर हम बात कर लेते हैं अब गुजरात की, तो गुजरात में दाहोद की मंडी में 450 रुपये पैकेट, राजकोट की मंडी में 12 रुपये किलो, आनंद की मंडी में 450 रुपये पैकेट, 500 रुपये पैकेट सूरत में, 950 रुपये क्विंटल दरी में और 325 रुपये क्विंटल अहमदाबाद में। अब बात कर लेते हैं हम छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के तिफरा में 950 रुपये क्विंटल, राजसमंद की मंडी में 450 रुपये और रायगढ़ की मंडी में 450 रुपये कट्टा बिका है। झारखंड में ओवरऑल अगर पूरे झारखंड की बात करें तो यहाँ 812 रुपये प्रति पैकेट चल रही है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं, तो भवनपल्ली में हाइब्रिड आलू जो है 850 रुपये कट्टा, जो देसी है 37-97 भवनपल्ली, तेलंगाना में 750 रुपये कट्टा, नैनीताल का आलू भी यहाँ 750 रुपये कट्टा बिक रहा है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, तो पश्चिम बंगाल में जो कटवा है वहाँ 503 रुपये कट्टा, गुड़कटा में 520, हावड़ा में 550, बारासात में 540, सिलीगुड़ी में 600 रुपये पैकेट, रंदार में 580 रुपये और नादिया में 540 रुपये बिक रहा है पैकेट, और आइजोल में 500 और दुर्गापुर में 500 रुपये का बिक रहा है। मदुरई में जो आलू है वो 15-17 रुपये किलो की मदुरई की मंडी में बिक रहा है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़े आगे जाके हैदराबाद की। तो हैदराबाद के आगरा का आलू 15 रुपये किलो, 37-97 आलू जो है 15 रुपये किलो, आनंद की मंडी में 16, यानी कि आप 302 आलू है वहाँ 70 रुपये किलो मिल रहा है। और अगर हम किसान भाइयों बात करते हैं निकासी की और कितने टन आवक हो रही है, तो मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की मंडी के आज जो रेट रुझान मिले हैं उसके अनुसार सीतापुर में 165 टन की आवक हुई है। यहाँ बेस प्राइस 1,070 रुपये रखा गया था, लेकिन आपके न्यूनतम स्कोर से बढ़ते हुए 11,150 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। सिरसागंज में आज 829 टन की आवक हुई है, 890 रेट प्राइस लगाए थे, लेकिन 100 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 990 रुपये प्रति क्विंटल में बिका है। अगर बात कर लेते हैं पल्ली कला की मंडी की, तो यहाँ 100 टन की आवक हुई है, यहाँ 1,000 से बेस प्राइस रखा गया था, 1,120 रुपये यानी 120 रुपये बढ़कर बिका है। अगर आप बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 135 टन की आवक हुई है, 1,100 रुपये बेस प्राइस रखा गया था, लेकिन अपने 1,100 से 300 रुपये बढ़कर 1,400 रुपये के उच्चतम स्कोर पर यह बिका है, 1,400 रुपये क्विंटल। परुलिया की मंडी में 74 टन की आवक हुई है, 860 रुपये बेस प्राइस रखा गया था, 890 रुपये बिका, यानी 30 रुपये महंगा बिका है। बारासात की मंडी में 160 टन की आज आवक हुई है, 1,080 से 1,200 रुपये प्रति क्विंटल तक यहाँ पर बिका है। ओवरऑल किसान भाइयों ये थे मेरे साथ में मंडी रेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी मेहनत कोई और नहीं कर रहा हो जितनी हम कर रहे हैं। और दूसरी आपको मैं एक और बात बता दूँ, क्या आप लोगों को सिर्फ मंडी भाव चाहिए, आप लोगों को जो चीज़ आपको चाहिए वो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर मैं कि गलत रास्ते पर चल रहा हूँ तो कोई आदमी मेरी बढ़ाई या बुराई नहीं करेगा, आलोचना उसी की होती है जो सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। तो आलोचनाओं से मत घबराइए, कोई अगर मेरी आलोचना कर रहा है ना, तो आप भी उनके चैनलों पर जाके मेरे बारे में उल्टी सीधी गालियाँ दीजिए, कमेंट कीजिए वो तो साला कुत्ता है, वो आरामी है, ये है वो है, तो इससे क्या होगा कि आप लोग उन्हें और बढ़ावा मिलेगा, तो उससे मेरी पॉपुलरिटी और बढ़ेगी।
समझ रहे हो ना किसान भाइयों, अगर कोई मेरे बारे में अपशब्द कह रहा है तो तुम चार पांच अपशब्द और कहो मेरे बारे में किसी और अन्य चैनल पर, ताकि उन्हें ये लगे कि हाँ ये सारे मेरे पास में आ गए। और इससे क्या होता है कि आलोचक जो होते हैं ना वो बढ़ने का मौका देते हैं, बढ़ने क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इस तरीके के हम उसे गिरा सकते हैं, वो गिराते नहीं हैं। आलोचक हमेशा उस चीज़ को आलोचना करके उसे बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जब तक आपके आलोचक नहीं होंगे तब तक आप बढ़ोगे नहीं, जब बढ़ोगे नहीं तो आपको कुछ नहीं होना है। तो आलोचक भी होना ज़रूरी है। जो कोई मेरी आलोचना कर रहा है ना तो उसे करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सत्य की राह पे हूँ। मैं आपको एक और बात बता दूँ किसान भाइयों, 15 अगस्त से आपका आलू का पीक सीजन शुरू होगा, जिसमें आपका आलू जो है अपने उच्चतम स्कोर पर होगा, और ये 15 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक पीक सीजन होगा, आलू अपने पूरे सबाब पर होगा। तो धैर्य बनाए रखें, मैं आपके साथ पूरे हिम्मत के साथ लड़ रहा हूँ, आप भी मेरा साथ दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।